लग्जरी प्रॉपर्टी रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लग्जरी प्रॉपर्टी रिव्यू। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं अभी राधे गैलेक्सी में हूँ, जो कि करजत रेलवे स्टेशन से सिर्फ 100 मीटर दूरी में है। यहाँ पे जाएंगे तो करजत बस डिपोट में जाएंगे, सिर्फ 5 मिनट्स लगेगा, और यहाँ पे 2 मिनट्स वॉकेबल में करजत रेलवे स्टेशन है। चलिए हम अभी अंदर जाते हैं प्रोजेक्ट का और आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में दिखाते हैं। जैसे कि देख पा रहे हो, हम अभी गेट से एंट्री ले चुके हैं और ये पर्सनल रोड है इसी प्रोजेक्ट का, राधे गैलेक्सी है प्रोजेक्ट का नाम। और यहाँ पे देख सकते हो, ये बहुत हाइट में है, ग्राउंड लेवल से अप्रोक्सीमेटली 70 फीट ऊपर है। यानी कि इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट फ्लोर नॉर्मल ग्राउंड लेवल का जो बिल्डिंग है, इसका 8 या 9 फ्लोर पे रहेगा। देख सकते हो आप, बहुत हाइट में है ये। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में टोटल 11 रेजिडेंशियल विंग्स है और एक कमर्शियल विंग्स अवेलेबल है, और ये स्टील प्लस 7 का है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और इसका हाइट का वजह से आप लोगों को बहुत अच्छा व्यू मिल जाता है, टॉप फ्लोर पे जाने का ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों को ग्राउंड लेवल से भी बहुत अच्छा माउंटेन व्यू, ग्रीनरी व्यू देखने को मिल जाता है। और इस प्रोजेक्ट का काम 2 फेज से कंप्लीट किया जा रहा है। ये जो आप देख पा रहे हो, ये फर्स्ट फेज का है और ये ऑलरेडी सोल्ड आउट है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये रेडी पोजीशन पे है और लोग रहने के लिए भी आ चुके हैं। और ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, बुकिंग चल रहा है, काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। आप लोग विजिट करने के लिए आ सकते हो, स्क्रीन पे दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए, हम आप लोगों को पूरा गाइड करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, ये करजत रेलवे स्टेशन से ईस्ट में पड़ता है, सिर्फ 2 मिनट्स वॉकेबल में है, तो कोई इशू नहीं है। चलिए मैं अभी आप लोगों को 2 BHK का एक स्पेशल फ्लैट दिखा देता हूँ, जो कि रेडी में है। आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं अभी लॉबी की तरफ बढ़ रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हो फायर डक्ट है ये, और ये स्टेयरकेस है इस साइड में, आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे इमरजेंसी डोर है और ये लिफ्ट है। हम अभी 4th फ्लोर पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा स्पेस है और काफ़ी स्पेशल लग रहा है देखने में। पैसेंजरिया काफ़ी कंफर्टेबल है, ये इमरजेंसी डोर है। और चलिए हम फ्लैट का अंदर एंट्री लेते हैं और आप लोगों को पूरा डिटेल्स में दिखाते हैं। ये देख सकते हो, हम अभी अंदर एंट्री ले चुके हैं और ये लिविंग एरिया देख सकते हो, लग्जरी विंडो के साथ आ रहा है और काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में। ये अप्रोक्सीमेटली 604 कारपेट एरिया है, 604 स्क्वायर फीट का। और यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों को यहाँ पे बालकनी भी मिल रहा है हॉल में। ये देखिए, काफ़ी अच्छा बालकनी है, यूजेबल भी है, और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये देख सकते हो कितना मस्त व्यू आ रहा है। आप लोग अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में लेते हो तो बहुत अच्छा अच्छा व्यू अवेलेबल है और चॉइसेस भी मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन का एक बिल्डिंग से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये सामने जो स्पेस है, यहाँ पे आप लोगों को एमिनिटीज़ मिलेगा। एमिनिटीज़ में क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिमनेजियम सब अवेलेबल रहेगा। और ये देख सकते हो स्टेशन, स्टेशन बहुत नज़दीक है। ये देखिए, बिल्कुल बाजू में ही है स्टेशन, करजत रेलवे स्टेशन, और ये ईस्ट में पड़ता है करजत रेलवे स्टेशन से, और चारों तरफ माउंटेन से भरा हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पूरा फ्लैट देख लेते हैं एक बार। ये लिविंग एरिया आप लोगों ने देखे, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशल है। और चलते हैं आगे। ये देखिए, राइट में आप लोगों को मिल रहा है बेडरूम और लेफ्ट में किचन। किचन पे 2 प्लेटफॉर्म मिल रहा है, पैरेलल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे देखिए, काफ़ी अच्छा स्पेस है किचन का। और यहाँ पे देख सकते हो, एक विंडो भी मिल रहा है छोटा सा एग्जॉस्ट के साथ, कोई इशू नहीं आएगा आप लोगों को। स्पेस भी काफ़ी बढ़िया है। और ये देखिए, टाइल्स भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का यूज़ किया गया, बहुत मस्त डिज़ाइन है टाइल्स का। और यहाँ पे देखिए, पानी भी अवेलेबल है, 24 आवर्स वाटर आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बेडरूम दिखा देते हैं। ये देखिए, हम अभी बेडरूम पे एंट्री ले चुके हैं और यहाँ पे भी आप लोगों को लग्जरी विंडो मिल रहा है बालकनी के साथ। बेडरूम पे भी आप लोगों को बालकनी मिल रहा है, ये किड्स बेडरूम का नाम पे जाना जाता है, नॉर्मल वाला बेडरूम। और एक मास्टर बेडरूम भी अवेलेबल है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए, बालकनी का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, आप बाहर जाके खड़े हो सकते हो और कोई इशू नहीं है। चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को कॉमन वॉशरूम। यहाँ पे देखिए, लेफ्ट में कॉमन वॉशरूम है, ये देख सकते हो, बहुत बड़ा वॉशरूम है ये और बहुत अच्छा ब्रांडेड क्वालिटी का फिटिंग्स यूज़ किया गया।
फुल टाइल्स है, अच्छा स्पेस है, वेस्टर्न इंग्लिश सीट यूज़ किया गया, अंदर वेसिन भी है और वेंटिलेशन भी अवेलेबल है, तो कोई इशू नहीं है। ये देख सकते हो मास्टर बेडरूम, ये देखिए मास्टर बेडरूम पे भी आप लोगों को बड़ा सा लग्जरी विंडो मिल रहा है, लेकिन बालकनी अवेलेबल नहीं है, विदाउट बालकनी है। और ये देखिए बहुत अच्छा स्पेस है, बहुत बड़ा है ये। और यहाँ पे मास्टर बेडरूम का वॉशरूम मिल रहा है, ये देख सकते हो मास्टर वॉशरूम का साइज़ और कॉमन वॉशरूम का साइज़ सेम है, सेम वेंटिलेशन भी अवेलेबल है, अच्छा क्वालिटी का फिटिंग्स यूज़ किया गया, बहुत अच्छा स्पेस मिल रहा है आप लोगों को, अंदर कोई इशू नहीं है। होप आप लोगों को ये फ्लैट पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग स्क्रीन पे दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें, हमसे बात करें, हम आप लोगों को पूरा गाइड करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, फिर मिलेंगे। लग्जरी प्रॉपर्टी रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।